हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है आयरिशमैन। तो मूवी की कहानी सुनकर आपको लगेगा इस तरह की कहानी हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, पहले सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो कमाल की बात है वो है एक्टर्स का परफॉर्मेंस और डायरेक्शन। जो चचा लोग हैं जिसमें यानी रॉबर्ट डेनेरियो, एल पकीनो, जो फैस्की, इन तीनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। स्पेशली यहाँ पे दो लोगों का मैं नाम मेंशन करूंगा, वो है रॉबर्ट डेनेरियो और जोए फेस्की। रॉबर्ट डेनेरियो ने यहाँ पे रोल प्ले किया है फ्रैंक का और जोए फेस्की ने यहाँ पे रोल प्ले किया है रसल का। तो कहानी शुरू होती है फ्रैंक से, जो कि एक रिटायर फौजी है, लेकिन अब वो घर चलाने के लिए, अपने डे टू डे लाइफ चलाने के लिए वो एक ट्रक चला रहे। ट्रक मतलब वो गोश्त या मीट, आप कहते हो मीट की गाड़ी को चलाते हैं और जगह जगह पे मीट डिलीवर करते हैं, लेकिन इसी में जो छोटी मोटी चोरी भी करते हैं। तो चोरी करते करते एक दिन जो उनकी कंपनी जिसके लिए वो काम करते हो, कंपनी वाले इन्हें पकड़ लेते हैं, पकड़ के इन पर केस करते हैं। केस तो एक किसी तरीके से जीत जाते, लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात होती है रसल यानी जॉय फेस्की से। रसल एक बहुत बड़े गैंगस्टर है, उनसे मुलाकात करने के बाद कैसे इनकी लाइफ चेंज होती है और कैसे वो एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर से एक हिटमैन या आप कह सकते हो गैंगस्टर के बॉडीगार्ड बन जाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी द आयरिशमैन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये मूवी आप लोगों को क्यों देखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, दूसरी कि इसमें गैंगस्टर की बॉडीगार्ड की कहानी बताई गई ना कि कोई गैंगस्टर की। यहाँ पर फोकस किया गया फ्रैंक का, फ्रैंक किस तरीके ट्रक ड्राइवर से लेकर एक हिटमैन बनते गैंगस्टर का ये बताया गया। और उसके अलावा जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में यहाँ पर रॉबर्ट डेनेरियो और जोए फेस्की का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा। प्लस डायरेक्टर की यहाँ पे जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो बनाने का तरीका था मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे एक और बात बोलूंगा, 1950 से लेकर 1980 का जो दौर है वो दौर भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, चाहे उस दौर की गाड़ियां हो चाहे उस दौर के कॉस्ट्यूम्स हो, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। तो कहीं से भी मुझे पर्सनली उस मामले में कुछ भी शिकायत नहीं है। तो ये मूवी कोई भी एंगल से मुझे पर्सनली बोर नहीं किया, इस वजह से मैं सजेस्ट करूँ कि अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये मूवी देख सकते हो। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी। अदरवाइज मैं इस मूवी का लिंक आपको टेलीग्राम में सेंड करूंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर हो सके तो मैं सेंड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, है ना अरहान एंटरटेनमेंट। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। तो बस मैं मिलूं आपसे कल किसी नए वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके बताइए आप लोगों को किस वेब सीरीज या किस मूवी का रिव्यू चाहिए। तो बस मैं मिलूं आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिलेर।